संबंध में यह कहना है कि पहले तो प्रधानाध्यापक और विद्यालय के जिम्मेदार लोगों को चाहिए था कि पहले से मौजूद एचपी लाइन ट्रांसफार्मर खंभा उसको कैंपस में नहीं घेरना चाहिए था, और अगर वो बाउंड्री बना भी रहे थे तो तत्काल बिजली विभाग से संपर्क करके उसको शिफ्ट करा लेना चाहिए था। अभी अभी ये घटना संज्ञान में आई है, इसको त्वरित कार्यवाही किया जाएगा वहां से परिसर से। तार 5 तारीख की घटना है, अभी तक खतरा बना हुआ है और खंभा लगातार उसमें नहीं। 8-10 दिसंबर हो गया, 5 दिन हो गया। हाँ, 5 दिन हो गया। तो एसटी लाइन है, 11th फीडर की लाइन है, संबंधित जेई वहाँ से इस्टीमेट बना रहे हैं, वो लाइन इस्टीमेट जो है स्वीकृत कराकर चीफ इंजीनियर से उसको तत्काल शिफ्ट कराएंगे। इससे सर आप लोग कुछ मदद भी किए बिजली विभाग की तरफ से किए हैं कि नहीं? बिजली विभाग की तरफ से, बिजली विभाग उस घटना के लिए अगर दोषी होगा तो अवश्य मदद होगी। नैतिक पुनीत कृत्य है, इसके लिए सादर साधुवाद इन लोगों को जो अध्यापक हैं, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे शिक्षकों की रहनुमाई कर रहा हूं, और बेहतर वर्क है, और प्रशासन को भी सबको इस क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। सर बिजली विभाग आपका कह रहा है कि विद्यालय की लापरवाही की वजह से विद्यालय ने कभी कोई लेटर नहीं लिखा, इस वजह से ऐसी घटना घटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजली विद्यालय प्रशासन नहीं, विद्युत कनेक्शन बहुत पहले से वहाँ लगा हुआ है, और यदि इस तरीके की घटनाएं वहाँ हो रही हैं तो निश्चित तौर पे इस पे जो भी अभिलेखी या जो भी पत्राचार करना होगा आधिकारिक रूप से मैं करूंगा, और जो भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुख्य चीज मुद्दा होता है बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, तो ये घटना एक आगाह करती है प्रशासन को कि इसके लिए सुरक्षा के लिए हम चैतन्य हो जाएं, और फिर अग्रिम कार्रवाई करते हुए पत्राचार करते हुए हम या तो उस कनेक्शन को वहाँ से ट्रांसफार्मर को हटवा दें, और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, फिर उसके लिए हम समझते हैं। क्या मदद कर रहा है?